बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे, पल में सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं। दादू, हजार मरतबा आपसे कहा है, उनका जिक्र इस घर में मत किया कीजिए। मर चुकी हैं वो हमारे लिए, नफरत है मुझे उनसे। शायद आप भूल रही हैं कि हमारा निकाह हुए 2 साल हो चुके, इसलिए मैं तुम्हारा सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर भी हूँ। कैसे भूल सकती हूँ, दिन में 36 दफा तो याद दिलाते हो। 7 साल के थे जब तुम्हारे अब्बा फौत हुए थे और मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे शफीक मामू के घर आ गई। उसी ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी तालीम और तरबियत की। दादू, आपसे कितनी बार कहा कि उनका नाम मेरे सामने मत लिया करो। नाम ना लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, कयामत के दिन उसी के नाम से पुकारी जाओगी। अभी वो हमारी जिंदगियों से जा चुकी, निकल चुकी। हम उसी के हैं, हम उसी के शगुन का थाल लाई थी, मंगवा दीजिए तो रस्में शुरू करें। जी जी, वो मैंने मुलाजमा को कहा है लेकर आओ। जरा जल्दी करवा देना, देर हो रही है। उजाला, इधर आओ बेटा। बहुत अच्छे। बेटा, ये बहन के सर से सबका उठा था। मेरे तो घुटनों में ताकत नहीं है कि मैं ऊपर जाऊं। सही, शगुन की मेहंदी और जमीन में मिल गई। या अल्लाह, किसी बड़ी आफत से बचाना। कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं, और मेहंदी आ जाएगी बेटा, और मेहंदी लेकर आए। वो शगुन की मेहंदी तो नहीं होगी ना? अच्छा, बस भी कर दो, अल्लाह खैर कर देगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जबशी, क्या बस करूँ मैं, देख नहीं रही हो क्या हुआ है? खाला प्लीज, अब कम से कम यहाँ पे तो सीन क्रिएट मत करें। अम्मी समझाए ना। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। चुप चुप। बिगड़ा हुआ लग रहा है। देखो, अपनी बहन के साथ कैसा मुंह फुलाई खड़ी है। बड़ी वहमी सी औरत लगती है, पर इसने ये मेहंदी की थाल गिरने वाली बात को तो बहुत ही दिल पर ले लिया।
मैंने पहले ही मना किया था कि अपने बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करो, ये मनहूस है। चुप कर जाओ, ये वक्त नहीं इन बातों का। अल्लाह से दुआ मांगो सब खैरियत होगी। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से इस फर्ज को अदा कर दे। आमीन, सब ठीक हो जाएगा, ना परेशान हो आप। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। चलें चल के बात ही कर लेते हैं इन लोगों से। हो गया। अरे वो पड़ोसी है ना न्यास साहब, उनकी कॉल आई है, हमारे घर में डाका पड़ गया है। पता नहीं क्या क्या चीजें ले गए होंगे वो। देख लिया आपने, मैं कह रही थी ना कि ये शादी सबको महंगी पड़ेगी। चुप कर जाओ। अरे क्या चुप कर जाऊं, देख ले आप सब कैसी बातें कर रही हो। उनके ऊपर इतना बड़ा हादसा गुजरा, अल्लाह खैर करेगा। मैं कह रही थी ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बस करो, मनहूसियत है मनहूसियत। नमीरा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन तुमने तो जिंदगी में इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें फेस की हैं, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ट्रस्ट मी कावर, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद। लेकिन मैं क्यों नहीं होता? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पागल लड़की? शायद मोहब्बत सभी को कमजोर कर देती है। लेकिन मैंने जिस लड़की से मोहब्बत की थी उसकी सबसे अच्छी चीज उसका कॉन्फिडेंस और करेज था। तुम्हें तो पता है इसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया था। इतना गारत करे इन मनहूसों को, सारा जेवर ले गए, कंगाल कर दिया, कहां से बनवाएंगे रातों रात। अच्छा अम्मा, आप तो हौसला रखे ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कहां से हौसला कर, ये मनहूस तो इस तरह से लेकर गए जैसे लॉकर में सारा इन्हीं के लिए रखवाया हुआ था। मुझे तो लगता है जैसे किसी बदख्वा की नजर लग गई है हमारी बच्ची की खुशियों को। देखे नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। क्या कहा पुलिस वालों ने? कहना क्या है, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। देखिए क्या बनता है। पहले कभी किसी का कुछ बना है जो हमारा बन जाएगा पुलिस वालों के पास? मैं तो कहती हूँ सबर शुक्र करके फातिहा पढ़ लो। कैसे फातिहा पढ़ लो, लाखों का जेवर था, नमीरा ने दिन रात एक करके बनवाया था। बिल्कुल ठीक कह रही है फरी। अरे इन पुलिस वालों के चक्कर में तो अपनी जमा पूंजी और गंवाओगे। बस छोड़ो, शादी के बीच में एक ही दिन तो रह गया, अपने इंतजाम देखो। ये उजाला, नमीरा कहाँ है बेटा? नमीरा कमरे में। ये बेटा अपनी बहन के पास जाओ, उसे हौसला दो, परेशान बैठी हुई है बच्ची बेचारी। बड़े हौसले वाली है मेरी बच्ची, कोई और होती ना तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेती, वो तो उल्टा सबको हौसला दे रही है। अल्लाह नसीब अच्छा करे उसका। आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? परसों रुखसती होगी, फिर वलीमा होगा, फिर सब लोग हंसी खुशी रहेंगे, और क्या। यार मैं बहुत सीरियस हूँ। और मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। दादो और अबू बहुत टेंशन, और फिर आंटी ने एक बार भी फोन नहीं किया। यार आई एम रियली सॉरी, मम्मी खुद इस वाकये से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। आई थिंक वो कल बड़ी मम्मी से बात कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि मैं ज्वेलरी का क्या करूं? तुम जा सकती हो तो जाके उन डाकुओं से मांग के ले आओ, वरना मैं तो तुम्हें इंशाल्लाह दिलाई दूंगा। थैंक यू खान, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं फोन बंद करती हूँ, दादो और अबू बहुत टेंशन है, जरा उन्हें भी जाकर देख लूं। अच्छा सुनो। जी। I'm always with you. Thank you.
मम्मी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ कहो, क्या बात है? आपको नमीरा के घर पे अफसोस के लिए जाना चाहिए था। तौबा तौबा, मुझे तो माफ ही रखो, सोच सोच कर मुझे हॉल उठने लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो मुझे जकिया की कही हुई बातें ठीक ही लगती हैं। बहुत ठंडे नसीब लेके पैदा हुई है नमीरा। जब से शादी के फंक्शन शुरू हुए कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसमें उसकी क्या गलती है? ये सब तो अल्लाह के काम है। बुरा मत मानना, कुछ लोगों के नसीब का पहिया उल्टा ही चलता है और नमीरा भी उन्हीं लोगों में से। तो खाला ने भड़का दिया आपको, आ गई ना आप उनकी बातों में, बोलने लगी ना उन्हीं की जबान। अच्छा तो फिर क्या करूं मैं? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, देखकर आंखें तो नहीं बंद कर सकती ना मैं। अब आप आंखें खोलें या बंद करें, नमीरा को आना तो इसी घर में है। अब आप उसे खुशी से लाएं या फिर ऐसी बातें करके। जानती हूं मैं, अब तो निकाह हो चुका है, अब तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, कम से कम मुझे आपसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं थी। क्या बिना क्या उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में डाल देती है। मुझे क्या हो गया, मैं किस तरह की बातें सोच रही हूँ? मुझे नमीरा के घर जाना चाहिए था, खामा का खाबर को भी नाराज कर दिया। बात समझने की कोशिश करें, हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है इसकी ज्वेलरी की शॉपिंग करने। तो जाओ ना अपने बाबा के साथ, नमीरा एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालेगी। दादू उजालों को क्या बताओ ज्वेलरी का, और बाबा तो पुलिस स्टेशन गए। बेटा कल तुम्हारी बारात, तुम आज भी सड़कों की खाक छानोगे, कुछ तो अकल से काम लो। तुम्हारी सास आ रही है अफसोस के लिए। आपको किसने कहा? तुमको नहीं पता, पल पल की रिपोर्ट तो तुम्हें खबर देता है। अरे तो दादो आप उन्हें देख लीजिएगा ना, हमें तो जाने दे। और सच बात यह है कि मुझे ज्वेलरी की शॉपिंग का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। ठीक कह रही है ये बेचारी, से जाने दे। एक तुम और आ गई तरफदार बनकर, उनके बाप ने क्या कम सर चढ़ाया है। अम्मा कल उसकी रुखसती है, चली जाएगी, ऊपर से कमबख्त डाकू उसका सारा जेवर ले गए। अब बच्ची बेचारी अपनी पसंद की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना ले क्या। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक घंटे में वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच दादो, थैंक यू। कुछ पता चला बाबा? अरे नहीं बेटा, हाथ से निकली हुई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। बाबा आप टेंस मत, इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत तो जरूर। भाई साहब नमीरा ठीक ही कह रही है, आप अपने आप को संभालें, अभी कल का पूरा फंक्शन निपटाना है। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो अभी तक, चलो भागो जल्दी से। आपके लिए चाय बनाओ। बना दो। चले मैं अभी लेकर आई। आपकी कॉफी। कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस। रहने दो, गाजी टेक्सटाइल्स की मीटिंग वैसे ही कैंसिल हो गई आज, शाम को दोनों साथ चलेंगे साइट पे। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? बेटा मैं एक बार होके आ चुका हूँ, अब आप भी सुकून से घर पे बैठे आज। खैरियत? हाँ वो बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अज्जत साहब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तुम्हारे प्रपोजल के सिलसिले में। मेरे प्रपोजल के सिलसिले में? व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम्हारी बात फाइनल कर दी है उनकी बेटी मलिहा के साथ, MBA किया उसने। व्हाट, हाउ इज दैट पॉसिबल? आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं?
क्यों नहीं ले सकते? इसलिए क्योंकि ये मेरी लाइफ है और आप मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन खुद से कैसे ले सकते? तो ठीक है, तुम मलिया से अलहदा में बैठ के बात कर लेना, आ रही है वो भी साथ। I'm sorry पापा, मुझे किसी से मिलना मिलना नहीं और वैसे भी मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। आर यू इन योर सेंसेस? तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने बाप से? एहसन देखिए, टीजी जवान औलाद है। अगर जवान औलाद है तो क्या करूँ, सर पे बिठा लूँ उसे या खुद जाके इसके कदमों में बैठ जाऊँ? आप कुछ भी कहें पापा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। बता दो उसे मुझे दोपहर को 2 बजे आज ही घर पे चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बस पापा, दैट्स इनफ। अब मैं आपके हर फैसले पर आंखें बंद करके सर नहीं झुका सकता। टाइम बदल चुका है, आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। नमीरा, तुम्हें किस बात की टेंशन है जब खावर भाई तुम्हारे साथ है? उजाला बात खावर की नहीं, घर की है। हर बंदा मेंटली डिस्टर्ब है इस नुकसान की वजह से। नुकसान भी तो कोई छोटा नहीं है, अल्लाह पूछे ऐसे जालिमों से। ट्रस्ट मी उजाला, ज्वेलरी की परेशानी नहीं है मुझे, मैं बाबा की वजह से बहुत परेशान, वो बहुत अपसेट है इस वजह से। तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाएंगे। फॉर गॉड्स सेक मामा, आप चंगेज खान को बता दें कि मेरे साथ वो सब कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है जो कभी उनके वालिद साहब ने उनके साथ किया था। अरसल, तुम लंच पर घर तो आओ, वी विल सॉर्ट इट आउट। सवाल ही पैदा नहीं होता मामा, आज अगर मैं आ गया ना तो इसका मतलब है कल को उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी मुझे। तुम्हारे बाबा का बीपी बहुत हाई है, वो स्ट्रेस में थे। मैं उनका अच्छा मूड देखकर आई प्रॉमिस उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी, बिलीव मी। बस फिर तो सारी जिंदगी बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि ना तो कभी ज़िल्ले इलाही का पारा नीचे आएगा और ना कभी वो किसी की बात मानेंगे। गॉड, बाप बेटा। ये आप क्या कर रही हैं? बाहर निकले। I'm so sorry, देखें। क्या देखूं? मैं अपनी गाड़ी का टूटा हुआ बम्पर देखूं या उसमें पड़ा हुआ डेंट देखूं? क्या क्या देखूं? देखें, I'm so sorry, I know मेरी गलती है, मैं mentally disturbed था। Mentally disturbed? अरे mentally disturbed है तो घर में बैठे ना, लोगों को क्या रोड पे मारने के लिए निकले आप? देखें, आपकी गाड़ी का जो भी खर्चा हुआ मैं बनवा देता हूँ। आपको क्या लगा था मैं आपको मेरा लॉस पूरा किए बगैर यहाँ से हिलने भी दूंगी? चला, क्या कर रही हो, रहने दो, चलो तुम। नमीरा तुम चुप करो, ऐसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखे लिसन, आप मुझे अपना एस्टिमेट लगा के बता दें, मैं आपको भी पे करने को तैयार हूँ। आपको क्या लगता है मैं वर्कशॉप में काम करती हूँ जो आपको फटाफट एस्टिमेट लगाकर बता दूं? देखे ये वर्कशॉप का कार्ड ले लें और अपनी गाड़ी वहाँ पर ले जाएं, आपका जो भी बिल बनेगा मैं पे कर दूंगा। आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? आप मुझे किसी भी नकली वर्कशॉप का कार्ड दे देंगे और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी? मुझे आप अपना आईडी कार्ड दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें फौरन। अच्छा ये ले, आप मेरा आईडी कार्ड ले लीजिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और ये मेरा बिजनेस कार्ड है जिसपे मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है। आपकी गाड़ी वहाँ से बन जाएगी और जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको, पकड़े अपनी चाबी, चलो। टाइम देखा, अज़ीज़ साहब की फैमिली पहुंचने वाली होगी, चेक करो वो कहां रह गए। जी फोन बंद है उसका। हम उसी के हैं
बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।